नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको कद्दू की सब्जी बनाना बतलाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से, और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। इसे कदीमा लाल भोपला भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बनाने का तरीका बतलाती हूँ। सबसे पहले तो कदीमा को खूब अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद इसके छिलके निकालेंगे। इस तरह से पूरा जितना भी कद्दू या कदीमा का सब्जी बनाना है, हम उसे इस तरह से छिलकर रख लेंगे। छिलका बहुत पतला सा उतारना है, क्योंकि हम इसे पहले ही धो करके छीलते और काटते हैं, तो इसलिए छीलने के बाद धोने की जरूरत नहीं है। अब हम इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट कर रख लेंगे। तो चलिए अब बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले पैन को गरम कर लेंगे। गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच तेल, साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। मैंने 1/2 kg कद्दू लिया है, इसमें मैं 2 हरी मिर्च डालती हूँ। हरी मिर्च को थोड़ा भूनना है। हरी मिर्च के थोड़ा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 5 फोरन। 5 फोरन होता है राई, सौंफ, अजवाइन, मेथी और कलौंजी। उन सबको थोड़ा थोड़ा लेते हैं और मिक्स करके इसमें डाल देते हैं। ये होता है 5 फोरन। जैसे ये 5 फोरन चटक जाए, इसमें हम कटे हुए कद्दू को डालेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। पहले तो 1/2 चम्मच ही नमक डालेंगे, और जब ये पकने लग जाता है तब हम इसे निकाल के थोड़ा चख लेते हैं और बराबर नमक कर लेते हैं। और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढक कर और सीम आंच पर धीरे धीरे पकाएंगे। बीच बीच में ढक्कन हटाकर हम इसे इस तरह से थोड़ा हिलाते डुलाते रहेंगे। इसमें पानी छूट जाता है, तो बस आप इसे 5 मिनट पड़ाकर और थोड़ा सा चला दें, और फिर से ढककर इसे पकने के लिए छोड़ दें। इसके ढक्कन हटाकर इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे, और इसमें चूंकि पानी छूट जाता है, तो इसे जैसे ही देखें कि हाँ इस तरह से ये करने से ये बिल्कुल गला हुआ है, तो हम स्टोव को, फ्लेम को तेज कर देंगे और तेज करके इसके पानी को सुखा लेंगे। अगर पानी रहने देने की इच्छा है तो रहने देंगे, नहीं तो हम इसे सुखा लेते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी खुद की कलर पीली होती है, तो हम लोग इसमें हल्दी नहीं डालते हैं। ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हल्दी तो अच्छी चीज़ है, इसमें अगर डालने की इच्छा हो तो अभी भी डाल सकते हैं। इस तरह से इसे इस तरह से दबा दबा कर और देख लेते हैं। जैसे ही ये गल जाता है तो देखिए इस तरह का हो जाता है। अब बस इसका पानी थोड़ा सुखा लेना है। हम लोग इसमें गुड़ डालते हैं, लेकिन जिन लोगों को गुड़ नहीं डालने की इच्छा हो तो बिना गुड़ का भी बना सकते हैं। इसी चीज़ को जब साउथ इंडियन लोग बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा राई और उड़द की दाल, चना की दाल, कड़ी पत्ता का तड़का लगाते हैं। हम लोग इसे 5 फोरन या जीरा का तड़का लगा के और तब बनाते हैं। अब ये सूख चुका है, ये थोड़ा देखिए इस तरह से लटपट हो जाता है। अब चूंकि मैं ये मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ, तो स्टोव बंद होने के 1 मिनट के बाद तक भी ये इसी तरह से चलता रहता है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरे धनिए की पत्ती डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, हो गया बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान तरीके से स्वादिष्ट कद्दू का सब्जी तैयार। आप भी इसे बनाकर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।